हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएनबी कंप्यूटर। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्यूआर कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम एमएस वर्ड के अंदर क्यूआर कोड कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्यूआर होता क्या है। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। एक इस तरह का कोड होता है जो क्विकली रेस्पॉन्स करता है। आप क्यूआर को अपने नाम से भी बना सकते हैं या किसी भी डाटा से बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट से बना सकते हैं, अपने किसी भी मोबाइल नंबर से बना सकते हैं, आप चाहें तो अपने यूट्यूब चैनल से भी बना सकते हैं। जब भी आप क्यूआर को स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्टली उस पर पहुंच जाएंगे। मतलब कहने का ये है, अगर हमें किसी की वेबसाइट का नहीं पता, उसका क्यूआर कोड है, तो आप डायरेक्टली स्कैन करके उसकी वेबसाइट पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। क्यूआर का मतलब ही होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्विक मतलब जल्दी से जो रेस्पॉन्स करता हो, उसे आप क्यूआर बोलते हैं। आप चाहें किसी भी नेम से क्यूआर को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड ओपन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमने एमएस वर्ड ओपन किया, विन वर्ड रन में लिखेंगे, ओके करेंगे, विन वर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे न्यू फाइल ले लेते हैं। ये न्यू फाइल ले ली हमने, हम जाएंगे होम टैब पे। तो होम टैब पे ऑलरेडी पहले से हैं हम, और यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन आएगा एड इन का, एड इन पे क्लिक करेंगे। देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, आपके पीसी या लैपटॉप में नेट कनेक्ट होना चाहिए। नेट का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नेट के बिना काम नहीं करता। चलिए एड इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से गेट एड इन, और यहाँ सर्च में लिखेंगे क्यूआर। जैसे ही सर्च करेंगे तो काफी सारे क्यूआर आ जाएंगे यहाँ से, लेकिन हम क्यूआर फॉर ऑफिस को ऐड करेंगे। तो हमने ऐड पे क्लिक किया और यहाँ से कंटिन्यू। देखिए राइट साइड में एक पैन ओपन हो गया जिसमें लिखा है क्यूआर फॉर ऑफिस, और यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल का अपना कोड बना सकते हैं। हमने ले लिया यहाँ पे https। तो हमने वेबसाइट डाली अपनी, जैसे मैं डाल देता हूँ bnbc.in। देखिए नीचे क्यूआर जनरेट हो गया, लिखा है https bnbc.in। इस क्यूआर को आप इसकी सेटिंग के बारे में और समझ लेते हैं। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं क्यूआर का, जो भी कलर आपको बनाना है। माना हमें ब्लू कलर लेना है तो हमने ब्लू पे क्लिक किया, देखिए ब्लू कलर आ गया। और यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो भी आपको रखना है वो यहाँ से रख सकते हैं। माना मुझे येलो रखना है तो देखिए येलो आ गया, लेकिन बैकग्राउंड कलर व्हाइट ही ठीक होता है, सभी में व्हाइट होता है, तो हम व्हाइट ले लेते हैं। और यहाँ से इसके साइज को, जो हमारा क्यूआर क्रिएट हुआ है, जनरेट हुआ है, उसका साइज यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। जितना भी बड़ा आपको करना है यहाँ से बढ़ाया जा सकता है। आगे यहाँ से मीडियम 50%, यहाँ से आप इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। और हमने हाई पे क्लिक किया, देखिए फॉर्मेट चेंज हो गया, जो डॉटेड हैं वो कन्वर्ट हो गए। आगे जिस लेवल से भी आपको रखना है, लो मीडियम हाई, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। अब इसे इंसर्ट करा लेते हैं, तो ये हमारे टेक्स्ट एरिया पे आ जाएगा। अब इसे छोटा बड़ा मूव करने के लिए हम जाएंगे लेआउट टैब पे। जैसे क्लिक करेंगे वर्ब टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप इसे जहाँ चाहे वहाँ आप रख सकते हैं, जितना छोटा बड़ा आपको करना है उतना छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेवल से आप क्यूआर बना सकते हैं। दूसरा मैं आपको बना के दिखाता हूं। माना किसी मोबाइल नंबर का क्यूआर बनाना है, तो फिर से हमने यहां से क्लिक किया और कस्टम पे क्लिक करेंगे। अब आपको जो भी आपको बनाना है यहाँ पे, माना मोबाइल नंबर का बनाना है, तो हमने मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप किया, देखिए ये मोबाइल नंबर का बन गया है। इसका जो कलर है वो हम ब्लैक ले लेते हैं, तो हमने ब्लैक किया, यहाँ पे ब्लैक कलर में शो हो गया। और फिर से हमने इंसर्ट पे क्लिक किया, जहाँ भी आपको रखना है वहाँ आपका कर्सर होना चाहिए। कर्सर यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे इंसर्ट कराया, देखिए अब ये यहाँ पे आ गया। आपको इसे छोटा बड़ा करने के लिए फिर लेआउट पे जाएंगे, टेक्स्ट वर्किंग पे जाएंगे, और यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और आप इसे जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। जितना छोटा बड़ा आपको करना है वो कर सकते हैं आप। जो पॉइंट आ रहे हैं बने हुए, इस लेवल से आप क्यूआर बना सकते हैं। चलिए एक और बना के दिखाता हूँ। माना हमें एड्रेस का बनाना है, तो फिर से हमने कस्टम पे गए और यहाँ पे जो भी एड्रेस आपको डालना है वो डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला, देखिए मैंने एड्रेस डाला यहाँ पे, तो ये एड्रेस का क्यूआर आ गया। यहाँ से आप मीडियम हाई, जिस लेवल का आपको क्यूआर बनाना है उस लेवल का आप बना सकते हैं। और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए ये आ गया। यहाँ पे लेआउट पे जाएंगे और यहाँ पे फॉर्म टेक्स्ट पे जाएंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे आप जहाँ चाहें वहाँ इसे रख सकते हैं। तो इस लेवल से आप क्यूआर जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो क्यूआर मैंने बनाए हैं, एक वेबसाइट का बनाया है, दूसरा मैंने मोबाइल नंबर का बनाया और तीसरा मैंने एड्रेस का बनाया। जिस डाटा का आप क्यूआर बनाना चाहते हैं उसका बहुत इजीली फॉर्मेट से आप बना सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, आपका एमएस वर्ड 2010 से ऊपर का होना चाहिए। 2016 हो, 2019 हो, 2021 हो, उसमें ये ऑप्शंस मिलेगा। होता उसमें भी है, लेकिन उसमें अलग फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट भी हम बताएंगे। ओल्ड वर्जन पे कैसे यूज करेंगे, कैसे क्यूआर क्रिएट करेंगे, बहुत इजीली लेवल से आप क्यूआर जनरेट कर सकते हैं, क्यूआर को क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें आप इसे सेव करके रख सकते हैं। फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, तो ये क्यूआर आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। सेव पे क्लिक करेंगे, कहाँ आपको सेव करना है, माना मुझे सेव करना है डेस्कटॉप पे, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, जो भी नाम आपको देना है, और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, तो देखिए ऊपर टाइटल बार में नाम से हो गया, बीएनबी के नाम से ये फाइल सेव हो गई डेस्कटॉप। तो इस लेवल से आप क्यूआर को क्रिएट कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर, बहुत इजी फॉर्मेट से।
तो ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के अंदर QR कैसे क्रिएट करते हैं। बहुत आसान तरीके से आप QR क्रिएट कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड हम बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।